गरीब धन जननी धन भूमि धन धन नगरी धन देश धन करणी धन कुल धन जहां साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस के अवसर पर दिनांक 6-7-8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम निवासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो पुण्यात्मा, आप जी का सौभाग्य है कि काल के दूतों ने परमात्मा के इस अनमोल धन को पाताल में डाल रखा था, यानी ये समझ लो कूड़े के ढेर में घना नीचे दबा रखा था। अब दास पे कृपा हुई, रजा मालिक कबीर भगवान का साथ दास के साथ है, तो अब ये धन आपके रूबरू हो पाया है। इतने संघर्ष के बाद सन 1994 में दास को परमात्मा ने आदेश दिया था, गुरुदेव ने, दीक्षा उपदेश और सत्संग करने का, और आज सन 2012 हो गया, लगभग 18 वर्ष हो गए संघर्ष करते ने। माइनस जीरो से भक्ति को ऊपर उभारा है परमात्मा कबीर जी की दया से। बिल्कुल नामो निशान नहीं था, ना भगवान का ना भक्ति का, परमात्मा के लिए तरफ सभी रहे थे। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था और मंगलवार का व्रत रखता था, सालासर एक मंदिर है हनुमान जी का, और उसमें इसी बूढ़ी सी मूर्ति रख रखी है। ये भगवान अब हंसी आती है अपने कर्मों पे, काली सी मूर्ति में बना दी किसी ने, फिर देखा देखी जान लग गए, वहाँ धक्के खाया करते हम, बता काल ने ऐसा जुल्म करवा रखा है। तत्व ज्ञान का तो नामो निशान मिटा दिया, और कोरी बकवाद समाज में बर्बादी झूठे गुरुओं द्वारा। तो पुण्यात्माओं, या मेर हुई भगवान की, कहीं आप देखा करते 4 ईंटें लगा रखी हैं, उस पर कुत्ते मुत्ते वहीं बैठे हैं, वहां हम मत्था टेकने जाए, और तेरा गजो भैया कोई वहाँ से सारा दिन रो के मर जाए, कोई नो कहने वाला नहीं, क्यों रो रहा है पत्थर के आगे। तो इसलिए वक्त गुरु की आवश्यकता होती है, और उसके ज्ञान के आधार से भक्ति साधना करने से कल्याण हो जाता है। अब ये कितनी बुराई बढ़ गई शराब मांस तम्बाकू की, और इसको विकास मानते हैं हम कि बड़ी बड़ी कोठी हो, कार हो, और गुटी सुट्टी लावें, और फिर विवाह के अंदर एक अलग से ड्रामा रच दे। पुण्यात्माओं, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा। ठीक है, संसार भक्ति नहीं करता, वो कुछ करो, वो तो इस विद्यालय के वो विद्यार्थी ही नहीं है, ये विद्यार्थियों के लिए
लागू है कि ना बीड़ी पीवे, ना तम्बाकू प्रयोग करे किसी भी तरीके से, ना मांस खावे और ना शराब प्रयोग करे, और न ही ड्रामेबाजी करे, ना जन्मदिन मनाना, ना कोई ऐसे ब्याह के अंदर बकवाद करनी। सिंपल ब्याह करो बच्चों, आप भगत बनकर देखो कितना आनंद आवेगा। देखो लोग दिखावा ड्रामा कितना कर ले, इसका अंत नहीं। शुरुआत हमने देखी, किसी ने 1100 रुपये दान के दे दिए, सारा गांव में चर्चा हुआ करती। फिर 2100 दे दिए एक ने, वो फेल हो गया। फिर एक ने 5100 दे दिए, वो फिर 21 वाला फेल हो गया। फिर एक ने 11000 दे दिए अपनी लड़की के दान में, और एक मोटरसाइकिल दे दी, फिर कार दे दी। तो ये एक बकवाद है बे मतलब की। बच्चे को परमात्मा से जोड़ दिया जाए, परमात्मा का नाम लेकर, और ये राम नाम का दहेज बेटी ने दे दे, ये सदा साथ देगा। एक एक टाइम हमने कुछ दे भी दिया बच्चे को, क्या कितने दिन उससे वो गुजारा कर सकती है? और फिर गरीब की बेटी अमीर की बेटी को देखकर मायूस हो जाती है, उसको ना जाने कितना दुख होता है। तो इस तरह की ये बकवादें हमने समाज से ख़त्म करनी पड़ेंगी, खासकर भगत समाज को तो इसमें अग्रसर होना ही पड़ेगा। इस दास के संघर्ष में आपने सहयोग देना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है, भक्ति बाधक है। जिसके 2-3 लड़की हो जाती, नींद आराम हो रही हो जाती है उस माता पिता की, और लड़की इसी कारण से हमारे लिए बोझ बनगी। एक गऊ जैसी आत्मा होती है बेटी की, हमने खूब देखा है। बेटा और बेटी रोटी खा रही हैं, माता पिता कोई बोलता है बेटे को, एक वो काम कर, वैसे भी कहा ये काम करिए, बेटा तो कहेगा को नहीं करता, और बेटी रोटी खा रही होगी ना, खाना छोड़ कर उठ कर चल पड़ेगी, उस काम को करके आओगी। अब ये हमें बोझ क्यों बनाई? अपने ड्रामाबाजी से, अपनी बकवादों से, दहेज के कारण। तो इस प्रकार हमने इस हर तरह की जो बुराई हमारे समाज में घर कर गई, इसको भी आपने बहुत गहराई से सोच कर, एक मर्यादा मार के उद्देश्य से नहीं कि मैंने कह दिया आपने शुरू कर दिया, नहीं। ये नियम ना समझना, ये आवश्यकता समझना, इस भक्ति मार्ग में बाधक समझना, इन नियमों को तोड़ देना। तो इस प्रकार से हम भक्ति हमारी अधिक होएगी। फिर अपुण्यात्मा, हमने परमात्मा पाने के लिए जो भी कुछ आदेश होता है गुरु जी का, वो करना ही चाहिए, क्योंकि गुरुदेव को मालूम होता है, वो मास्टर होता है इस मार्ग का। और विद्यार्थी, और जैसे डॉक्टर के पास जाता मरीज, तो सही डॉक्टर होगा तो वो काटे की बात करा करे और सही दवाई देगा, उसमें जो भी मर्यादा यानी परहेज बताए जा, तो उस रोगी को आजीवन करने पड़ते हैं तभी वो सफल होता है, रोग नाश होता है। तो हमारे जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है, इसका नाश इस दास के बताए मार्ग से होगा। दास वही मार्ग बता रहा है जो परमात्मा ने स्वयं आकर के बताया था। ये गॉड गिवन है, ये किसी के लोक वेद नहीं है, किसी आम व्यक्ति का बताया हुआ ज्ञान नहीं। और यही प्रमाण हमारे सदग्रंथों में है, जिन सदग्रंथों को हम सिरोधार्य मानते रहे। तो फिर भक्ति में देर नहीं लगेगी, आपको विश्वास होने में देरी हो रही है, और कि ये दास जो भक्ति बता रहा है वो सही है, श्रेष्ठ है, शास्त्र अनुकूल है। ये प्रमाण करने के लिए कि ये भक्ति सही है, और परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी हैं जो जुल्हा रूप में, धानक रूप में बनारस में आए थे, ये प्रमाणित करने के लिए ये ढेर सारे आपको प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। और कुछ दिनों के बाद फिर ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी इन प्रमाणों की, क्योंकि आप एक दूसरे को बताओगे कि ऐसा है, फिर ये एकदम सबको स्वीकार्य हो जाएगा। अभी तक तो किसी ने देखे नहीं, खोल के वेद देखी ना, गीता पढ़ी पढ़ी थी, समझी नहीं गीता जी में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, हम पढ़ते थे लेकिन समझ नहीं सके। अब हम समझन जोगे हो गए, अरीब खूब देखेंगे, कति दृढ़ होकर कहेंगे कि सचमुच कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, और यही भक्ति सही है, यही मंत्र श्रेष्ठ है, और सब बकवाद है। तो फिर आपके आपसे सुनकर अन्य व्यक्ति भी इस बात पर विचार करेंगे, और कोई प्रमाणित कराना चाहेगा तो सदग्रंथ हमारे पास है, आप खुद भी उनका
विश्वास दृढ़ करोगे तो इस प्रकार ये पूरे विश्व में मालिक आदेश है, उनका निर्धारित समय है कि अब ये पूरे समय में पूरे विश्व में एक ही भगवान रहेगा, एक ही ज्ञान रहेगा और भक्ति विधि उस भगवान की एक है ही, वो अलग हो ही नहीं सकती। जैसे आम के पेड़ को, पौधे को बीजने के लिए आम का ही बीज प्रयोग करना पड़ेगा, दूसरा बीज आम का हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा पाने के लिए जो मंत्र है इनके अतिरिक्त कोई साधना है ही नहीं। बाकी तो बबूल के बीज अलग हैं, अन्य साधनाएं जो सिद्धियां प्राप्त करने की हैं वो अलग वस्तु है, उसकी हमें जरूरत नहीं। तो पुण्यात्मा सबसे पहले हमने गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे वो रह गए, गुरु सुमरे होवे पार। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, अब परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होवे। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी। चार खानी में भरमते कभू ना लगते पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आग काल के फंदे। गुरु को मानुष जो गिने और करे चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे योग योग होवे समान। गुणात्मा परमात्मा ने गुरु जी के ऊपर गुरु की महिमा का, गुरु के महत्व को कितने गहरे शब्दों में समझाने की चेष्टा की है। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं कबीर हरि जे रूठ जा, गुरु की शरण में जावे। कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। पुण्यात्मा आपने महावीर जैन जी का इतिहास बहुत बार देखा है, दास ने दिखाया है। वो पुण्यात्मा भक्ति के लिए घर भी त्याग दिया, अपने दादाजी से उपदेश लिया ऋषभ देव जी से, वो मारीची जी ने
और वही आत्मा आगे चल के महावीर जैन हुआ। महावीर जैन के रूप में जन्मने से पहले उस आत्मा ने 80 लाख बार तो देव पद प्राप्त किया, देवता बना, और बाकी 60 करोड़ बार गधे की योनि, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, 10 पता नहीं कितनी बार हाथी, नपुंसक, शिकारी रहा। तो जब तक सतगुरु नहीं मिलते ये प्राणी साधना करता करता भी दुखी रहता है। इसलिए परमात्मा बताते हैं सतगुरु के उपदेश का, पृथ्वी पर सतगुरु एक ही होता है एक समय में, अनेक नहीं होते। जैसे परमात्मा स्वयं आए थे कबीर जी, वो अकेले ही प्रभु, तो परमात्मा भी थे और सतगुरु भी थे, वो तो सर्वे सवा थे। और उस समय 64 लाख शिष्य थे मालिक के। पुणात्मा विचार करने की बातें हैं, क्योंकि हम लाल की महिमा से परिचित नहीं थे। लाल की को सुनते अवश्य थे कि वो बहुमूल्य होता है, लेकिन पहचान नहीं थी। हम भगवान को सर्व सुखदायी, सब संकटों से निवारण करने वाला मानते हैं, इसलिए ही उसकी खोज में हम जगह जगह भटक रहे थे। लेकिन हमने उस लाल की हमें पहचान नहीं हुई। उन स्वार्थी लोगों ने कौड़ी को हमें लाल बताकर हमारे को दे दिया। हम उन कौड़ियों को लाल समझकर गठड़ी बांधे फिरे थे। अब दास को पता चला, परख हुई, लाल और लालड़ी को परख करने की बुद्धि दी भगवान ने, और वही दास ने आपके साथ कर दी, आपको भी लाल परखने योग्य ज्ञान दे दिया। तो पहले हम साधना ठीक ना करके कितने कष्ट उठाए, उस परमात्मा ने आकर ही हमें ये ज्ञान दिया, अपनी पहचान आप ही बताई। तो क्या बताते हैं कि भक्ति करते करते भी उस महापुरुष की कितनी दुर्गति हुई, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिला। 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, 64 लाख शिष्य हुए उनके, और अकेले सतगुरु थे, अकेले नाम देते थे। और पुण्यात्मा उस समय ना कोई मीडिया था, ना कोई पुस्तक का लेखन करके कहीं भेजा जा सकता था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर साहब की वाणी लिपिबद्ध करके रख ली थी, लेकिन उसको बार बार इतनी को हाथ से लिखने में तो 10 साल फेर लग जाए उसको। तो ऐसे जैसे आजकल परमात्मा ने दया बख्शी है, अक्षर ज्ञान दिया, पेपर दे दिया, इस पर पुस्तक परमात्मा की महिमा लिखकर हमने आपको भेज दी, पुस्तकें बना बना कर, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम परमात्मा ने दिया, सीडी का ये बना के दे दी, चिप चल पड़ी परमात्मा की दी हुई है। ये गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट है, ये मनुष्य के सत्र के बनाए हुए नहीं है, ये भूल जाना आप। ये मनुष्य 4 युगों में यही था, एक रेडू के अंदर, और छत्तर जोड़ कर रथ बना के घसीटे अंडा करते, अरेबीसी कार बना ली, हवाई जहाज बना दी, और ये इंटरनेट बनवा दिए, ये परमात्मा के दिए हुए हैं। और इस काल ने इनका दुरुपयोग शुरू करवा दिया, इसमें फिल्म देखें, नाचे कूदे, समाज दूना बिगड़ गया, लेकिन अब शुद्ध रहेगा। यहाँ पर कोई भी पदार्थ है उसके गुण अवगुण दोनों चले, लेकिन हम अवगुणों को त्याग कर गुणों को ग्रहण करेंगे, हमें ज्ञान हो जाएगा। तो कहने का भाव यह कि 64 लाख शिष्य होना उस समय एक धानक के, जुल्हे के, ये कोई बालकों का खेल नहीं है। जिसको हम एक शूद्र कहते थे, एक कवि तक करके कवि कह के सीमित कर दिया था, फाइनल क्लोज कर दी थी उनकी फाइल को। अब वह फाइल फिर खुली उस भगवान की, वो परमात्मा है, हमारे पिता हैं। तो सतगुरु एक ही होता है, तो वो परमात्मा स्वयं सतगुरु भी थे और वो परमेश्वर भी हैं। सतगुरु की भूमिका भी उन्होंने की, वो जगत गुरु भी वही हैं। और फिर उनका कृपा पात्र, उन्हीं के ज्ञान से युक्त, उनके आदेश अनुसार फिर सतगुरु वही भेजते हैं। तो उस परमात्मा ने
स्वयं कहा है कि गरीबदास जी वाले पंथ में, बारहवें पंथ में आगे चल के मैं स्वयं आऊंगा और धर्मदास इस सारे अज्ञान को हटाऊंगा। अब परमात्मा ने हो सकता है दास को किस इस योग्य देखा होगा तो अपने कुत्ते को छोड़ दिया भौंकने के लिए, अपने बच्चों को धनियों को जगाने के लिए। तो ये परमात्मा का किया हुआ काम है, आम जनसाधारण का ना समझना बच्चों, और इसका लाभ उठाओ, आप भी उठाओ, औरों को भी जगाओ जो गहरी नींद में सोए पड़े हैं और काल के दूता के फंसे पड़े हैं प्यार के साथ। क्योंकि काल ने कहा था कि ऐसे उल्टे रंग में रंग दूंगा जब तुम्हारा मोक्ष समय आवेगा कलयुग में, उससे पहले सब नकली पंथ चला दूंगा तेरे नाम से, कबीर नाम से और सतलोक सचखंड के नाम से, और उनमें इतना अज्ञान ठोक दूंगा तेरा संदेश वाहक जब आएगा तब तक तो वो वकील बन जाएंगे उस अज्ञान के और कति नहीं मानेंगे। परमात्मा ने कहा था कि हमें मनाना आता है, उसमें शिक्षित करूंगा। परमात्मा ने कहा था, उसमें सोचा बता दिया था धर्मदास को कि अभी तू चुप रहना, इसको जिक्र ना करना। सबको शिक्षित किया दाता ने, ये इंटरनेट प्रोजेक्टर बनवा दिए, दूर बैठे आप देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा है सदग्रंथों में सामूहिक तौर पर CD के माध्यम से, TV के माध्यम से। तो ये परमात्मा का किया हुआ कार्य है। और पहले परमात्मा स्वयं एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट हो जाते थे, क्यों तो भगवान है, वो तो जो चाहे सो कर सकते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमें जगाया, सत्ज्ञान दिया, वही दिया हुआ ज्ञान आज दास आपके समक्ष रख रहा। तो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। पुण्यात्मा इन वचनों को गणी गहराई तो सुना करो, इनको हृदय में जाने दो कानों के माध्यम से। जब तक बच्चा दवाई को अंदर नहीं जाने देगा वो काम के करेगी, होठों पर ही डाल दे बार थूक देता है, सुनता नहीं है। तो इनको बहुत गहराई से सत्संग के समय तो आप एकाग्रचित हो जाया करो और परमात्मा के इन वचनों पर गहराई से सोचा करो। अब क्या बताया भगवान ने कि जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटते फिर फरते चारों खान। पुण्यात्माओं जब ये भक्तिहीन प्राणी यहाँ से जाता है, यम के दूत इसको पकड़ कर ले जाते हैं, धर्मराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है, न्यायाधीश के सामने। वहाँ ये नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, वहाँ झूठ नहीं चलेगी। वहाँ तो आपकी फिल्म स्टार्ट हो जाएगी, CD ऑन हो जाएगी आपके समक्ष सामने। क्योंकि जो कर्म हम करते हैं, सोचते भी हैं, उसकी भी एक फोटोकॉपी भगवान के दरबार में जाती है और वहाँ जाते ही उसको ऑन कर दिया जाता है। अब जैसे आप जी भक्तों को, भाई बहनों को कहते हो, रिश्तेदारों को या कोई मित्र पड़ोस पड़ोस में मिल जाते हैं, उनको भी समझाते हो भक्ति कर लो, परमात्मा का नाम ले लो, तो अब तो उनके पास समय नहीं है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। फिर वो जब वहाँ दरबार में खड़ा होगा तो ये एक पली लगाता है भगवान के आगे, एक बहाना खोजता है कि परमात्मा मुझे पता नहीं चला, हमने तो इतना ज्ञान हुआ था, अपना काम करो, बच्चों का पालन पोषण करो। तो उसमें परमात्मा वो CD चला देगा, कोई भक्त उसके उससे कह रहा होगा कि चलो चलेंगे सत्संग में, और वो बकवाद कर रहा होगा, मना कर रहा होगा, सौ सौ बहाने मिला रहा होगा। फिर परमात्मा कहेगा देख इस भक्त ने, इस बहन ने, इस बेटी ने तेरे से क्या कहा था, और तू झूठ बोलता है कि मेरे को पता नहीं चला। तब ये क्या कहता है, भगवान गलती होगी, क्षमा कर दो। परमात्मा कहता है ये गलती का मानने का कोई फायदा को नहीं, अब तो नरक में जाना ही पड़ेगा।
और फिर कभी तुझे मानव शरीर मिले तो फिर ट्राई करना। तो पुण्यात्माओं, ये धर्मराज के दरबार में जो प्राणी जाता है उसके बाद इसको नरक में डाला जाता है, और वहाँ तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पशुओं की तरह चारों तरफ से यम के दूत, जो समझ लो हाथों में भाले, क्योंकि वो शरीर ऐसा है उसमें पीड़ा घनी होती है और उसमें मरता नहीं प्राणी, पीड़ा ज़्यादा होती है, तो उसमें सीधे भाले ठोके आँखों में मारेंगे ना सीधे, और ऐसे जैसा भी हाथ में आओ उतना लठ मारते हैं, और उनको ज़बरदस्ती नरक में ठोक देते हैं, धक्के मार मार के वो उल्टे बाजे उनका लठ मारें, और जैसे पशु को फाटक में रोकते हैं ऐसा ठोक दिया जाता है। तो यहाँ क्या बताते पुण्यात्मा, हम भक्ति से घने दूर हो गए, अध्यात्म ज्ञान आसपास भी नहीं रहा, हमें डर नहीं रहा इन बातों का, इन बातों को हम ऊट पटांग से मानते हैं, इन अज्ञानियों के ज्ञानों के को सुन सुन के अज्ञान को कि भगवान कहीं नरक कहीं नहीं है, यही स्वर्ग है यही नरक है। अरे इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं महापुरुषों ने, आँखों देख कर बताए हैं, उनको हम अपनी सोच से झूठा कैसे कर देंगे, करेंगे तो करे रहेंगे लेकिन सच्चाई हमारे कहने से मिट नहीं सकती। तो परमात्मा बताते हैं कि नरक द्वार में जब नरक में ठोके जाओगे, दूत सब और करते खेचा तान, दे डंडा दे लठें और अंदर ठोक देते हैं। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान और उनसे कभी ना छूटता, फिर फिरता चारों खान, वहाँ नरक में दुख उठा करके फिर इन चार खानियों में 84 लाख प्रकार के इन पशु पक्षियों और सब जीवों की, ये प्राणियों के जो शरीरों में कष्ट उठाना पड़ता है। अपरमात्मा बताते हैं नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता, फिर फिरता चारों खान, चार खानी में भरमता और कभू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब सतगुरु के उपकार, जैसे गरीबदास जी ने कहा है कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जमन मरण मिटाही, जो जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग का नाश कर दे, कहते मैं उस सतगुरु पर बलिहारी हूँ। तो जन्म मरण का रोग का नाश कबीर परमेश्वर ही कर सकता है, और कबीर परमेश्वर जिस भी अपनी आत्मा को दास को यहाँ भेजता है अपना सामर्थ्य देकर, तो यह उसके द्वारा परमात्मा ही करवाता है। अन्य ना तो किसी भगवान की भक्ति से ये जन्म मरण का रोग नाश हो सकता। यदि हम श्री राम श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी इनकी पूजा करके चाहें कि हमारा जन्म मरण का रोग कटे, ये नाशवान इनकी जन्म मृत्यु स्वयं होती है। ऐसे ही शंकर जी की जन्म मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की जन्म मृत्यु होती है, इनका पिता है सर्वपुरुष जिसको काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं, जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, वो स्वयं स्वीकारता है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में। ये कहता अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो इससे सिद्ध है कि इस ब्रह्म की पूजा करने वाला भी जन्म मरण के रोग से नहीं बच सकता, और ब्रह्म की साधना ब्रह्म पुजारी गुरु से ही लेनी पड़ती है, उस गुरु की शरण में जाने से भी जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता। और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा हम शांति नहीं हो सकती। गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहता कि अर्जुन वो परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के 1वें मंत्र में पूछा कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के गीता जी के 29वें श्लोक में जिस तत्वरम के विषय में कहा है कि उसको जान करके प्राणी फिर केवल यहाँ से जन्म मृत्यु के रोग से छूटने का ही प्रयत्न करता है, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था के कष्ट और मरण माने मृत्यु से ही बचने का छुटकारे की कोशिश करता है, वह संसार की किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखता। तो 8वें अध्याय के 1वें श्लोक में पूछा कि किम तत्परम, गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है।
फिर आठवें अध्याय के पांच और सात श्लोक में तो अपने बारे में कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तू मुझ में मन वाला हो, मेरे पर आश्रित हो जा, मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो इसने अपनी भक्ति करने वाले को कहा है लेकिन मुझे प्राप्त होगा, शांति नहीं हो सकती, युद्ध तो करना पड़ेगा। आठवें अध्याय के आठ नौ दस में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला प्राणी उसके पास चला जाता है। पंद्रहवें अध्याय के एक से लेकर चार में कहा है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है और उसके पश्चात वो तत्वदर्शी संत मिल जावे, सतगुरु मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। अठारहवें अध्याय के बैसठ में और छसठ में श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ऐसे ही अठारहवें अध्याय के छसठ में श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, मेरे सतर की जो साधना है, जैसे आठवें अध्याय के तेरहवें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और ओम से होने वाली जो परम गति है उसको वही प्राप्त कर सकता जो अंतिम समाज तक ओम का ही जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है। तो उससे कौन सी गति होती है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र ओम है। आठवें अध्याय के सोलहवें श्लोक में गीता जी में कहा कि अर्जुन ये ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावर्ती में है, वहाँ गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं और उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति के लिए सत्रहवें अध्याय के तेईसवें श्लोक में गीता जी में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा, सचिदानंद घन ब्रह्म के पाणे की तीन मंत्र का निर्देश है ओम तत्सत। ओम ये ब्रह्म का है, तत् ये अक्षर पुरुष का है। गीता जी अध्याय नंबर पंद्रह के श्लोक नंबर सोलह और सत्रह में तीन पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। जो परम अक्षर पुरुष है वो सबसे श्रेष्ठ है और वही वास्तव में अविनाशी है। अन्य सर पुरुष और अक्षर पुरुष को नाशवान कहा है और उसके उनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है, तो उनकी भक्ति से तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर सत्रह के श्लोक नंबर तेईस में ओम तो ब्रह्म का जाप सर पुरुष का और तत् ये सांकेतिक है ये अक्षर पुरुष का, और जो सत शब्द है वो भी सांकेतिक है, इसको सार नाम भी कहते हैं, इसको आदि नाम भी कहते हैं, वो है परम अक्षर ब्रह्म का। तो इन तीनों मंत्रों की मजदूरी से, इन तीनों मंत्रों की साधना से हम भगवान प्राप्त कर सकते हैं, उस मोक्ष सथल प्राप्त कर सकते हैं, वो सुख प्राप्त कर सकते हैं जिसके विषय में वर्णन किया गया है। अब जैसे हम हैंडपम्प लगाते हैं तो हैंडपम्प में हम बोकी मारते हैं, तो ये बोकी और हैंडपम्प ये हमारा उपास्य नहीं है, लेकिन इस तरीके बिना वो उपास्य वस्तु नहीं मिल सकती है, वांछित वस्तु नहीं मिल सकती, जल नहीं मिल सकता, तो ये पूजा नहीं कर रहे हम तो वो साधन अपनाया है जिससे वो जल मिल जा। तो ये जो मंत्र हैं ओम कार, ये दूसरे दो सांकेतिक हैं, ये कोई हम पूजा नहीं कर रहे, हम उस अपनी वांछित वस्तु के पाने के लिए साधन अपनाए हैं, ये साधनाएं हैं। तो ये साधना है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की, जैसे सतनाम का दो अक्षर का मंत्र है, एक ओम एक तत्, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की जन्म साखी के अंदर समुद्र की साखी में ये प्रमाण है उन दो अक्षर के मंत्र का, दास अभी बोल के नहीं बताएगा। तो इन दोनों मंत्रों का जाप किया जाता है श्वास उश्वास से, जैसे हमने जल निकालना है जल, तो उसके लिए हैंडपम्प लगाएंगे तो पहले बोकी मारेंगे, मिट्टी बाहर फेंकेंगे, बोकी मारेंगे, फिर बाहर निकालेंगे और पाइप नीचे छोड़ देंगे। यूँ काम है समझो सतनाम का, दो अक्षर की बोकी चलेगी श्वास उश्वास से। अब ये सतनाम, ये बोकी ने अपना काम कर दिया, जल तक पहुंचा दिया, लेकिन बाहर जल नहीं प्राप्त हुआ, उसके लिए एक और आइटम लगाना पड़ा है, हैंड पंप ऊपर मशीन बोलते हैं उसको, और फिर उसकी पूजा करनी है, उसको भी ऐसे हिलाना है, प्रैक्टिस करनी है जब वो जल निकलता है। तो ऐसे ही केवल सतनाम प्राप्ति से भी मोक्ष नहीं,
सार नाम नहीं मिलाता है, वो जल मिले नहीं, सार नाम समझो हैंडपंप का ऊपर का वो मशीन है। तो ये मशीन उसी समय लगी हुई सक्सेस होगी जब वो पाइप पूरी जल तक पहुंच चुकी होगी। बीच में अगर कोई कहे हैंडपंप लगा दे, मशीन फिट कर दे, मिस्त्री कभी नहीं करेगा। तो ये दास आपको ये सब व्यवस्था बता रहा है, ये आपने करनी है, मजदूरी करनी है इसकी। और जब सारनाम का समय आएगा, आपकी पाइप पहुंच जाएगी जल तक के आसपास, तो फिर हैंडपंप यानी सारनाम आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम ओम उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत, ये तीन मंत्र का जाप है। ओम ये ब्रह्म का है, तत् ये अक्षर पुरुष का है, उसको परब्रह्म भी बोलते हैं, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का, इसको पार ब्रह्म कहते हैं। पार ब्रह्म, एक पर ब्रह्म एक पार ब्रह्म। ब्रह्म तो ये सर्वपुरुष है, ये काल भगवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी। अक्षर पुरुष इसको पर ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म से नेक्स्ट भगवान, पर यानी दूसरा, और इससे ऊपर पार ब्रह्म। पार ब्रह्म माने सबसे परले पार का, सबसे ऊपर वाला, वो पार ब्रह्म होता। जैसे आप संतों की वाणी में पार ब्रह्म शब्द सुनते हो, वो पर ब्रह्म के लिए नहीं है, वो पार ब्रह्म यानी उस सत्य पुरुष के तरफ संकेत है, परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। तो जैसे तो उस परमात्मा के पाने का फिर तीन मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। तो इस प्रकार हम उस परमात्मा को पाएंगे। कैसे पाएंगे? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, इस गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामी मासुच। ये क्या कहता है कि मेरे सत्र की जितनी पूजाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे, मुझे दे दे मेरे सत्र का जो तेने मजदूरी करी है, फिर मैं तुझे यहां से जाने दूंगा नहीं, तू मेरा बंधक मजदूर है, और मेरा कर्ज उतार दे, फिर तू उसकी शरण में जा। एकम, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई शक्तिशाली भगवान ना हो, उस एकम शरणम व्रज, उसकी शरण में जा। हरिन अज्ञानी हमारे धर्मगुरुओं ने अनुवाद करता ऋषि मंडलेश्वर ने अनर्थ कर रखे गीता जी में, अनुत्तम मान्यता थी, उत्तम बता रहे हैं ये, देखी ने व्याकरण बदल डाली अपनी अज्ञानता के कारण। और व्रज माने जाना होता है, ये आना बोलते हैं, आना लिखा हुआ अनुवाद कर रखा है, इंग्लिश का वर्ड है गो, और गो माने जाना होता, आना तो हो ही नहीं सकता। ये तो मूर्ख, अगर कोई उस सेंटेंस को ना समझ कर उसका अर्थ आना कर रहा है तो वो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति है, वो आशय को समझा नहीं, उस प्रकरण के आशय से वो परिचित नहीं है। अब ये जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन स्वयं स्वीकार रहा कि मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरे गुरु हो, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मुझे निर्णायक ज्ञान दो, मैं आपकी शरण हूँ। अब यहाँ फिर नो कहो है कि मेरी शरण में आ जाओ, उसकी शरण तो पहले कह रहा है मैं तो तेरी शरण खड़ा हूँ, और सब धर्मों के कर्मों को मुझ में छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अकल देखो इनकी, इन्हें बहुत सी जगह ऐसे अनर्थ कर रखे जहाँ ये समझ नहीं सके। तो ये ओम नाम का जाप इसको दे देंगे काल को, ये हमें यहाँ से जाने देगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट लिख देगा ये, लेकिन ये तब लिखेगा जब गुरु साथ होगा, नहीं तो ये आपको बहका करके यहीं अपने नकली सतलोक, नकली अलख लोक, अगम लोक, इसने ब्रह्म लोक में बना रखे हैं धोखा देने के लिए, वहाँ पटक देगा ठाक है, और वहाँ जीवन बर्बाद करा के करा, कितने युगों के बाद फिर जमीन पर पटकेगा, सारा काम रह गया बना बनाया। तो सतगुरु की आवश्यकता आपके साथ रहेगी अंतिम सांस तक। तो जैसे प्रसंग चला है कि हम ओम नाम का जाप इसको दे देंगे, और फिर हमने 7 संग ब्रह्मंडों को पार करके जाना है इस अक्षर पुरुष के पार परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मंडों को, उसके लोक से जाने का किराया देना है इसका, वो तत् मंत्र जो आपको देते हैं वो उसके किराया देना है, उस वहाँ से फिर वो जाने के लिए हमें, ये समझ लो टोल टैक्स समझ लो, ये उसका अक्षर पुरुष के लोकों से पार होने का। और तीसरा जो मंत्र है वो
सतलोक में स्थाई स्थान प्रदान कराएगा, जो आदि नाम है, सार नाम है। तो पुण्यात्मा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसकी साधना का मंत्र ये बताई दिया, ओम तत्सत नथिंग एल्स, इति निर्देश है, बस यही निर्देश है। निर्देश का मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स। और गीता जी में ना अरे राम अरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये इस तरह की कोई मंत्र नहीं है। और जो श्रीमद् भगवत गीता में वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा का मार्ग नहीं है, उसको जो करता है तो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आसन कर रहा है। अब प्रसंग आता है पुण्यात्मा, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो न उनकी गति हो, बताओ, और न ही उनकी कोई कार्य सिद्धि हो। तो फिर इसीलिए तो हम भक्ति करते हैं और वो तीनों व्यर्थ, तो उस साधना के करने का कोई लाभ नहीं। इसी कारण से हम नास्तिकता की तरफ चल पड़े हैं, भगवान को खोजते खोजते हम हार थक चुके हैं, अंत में हमने गुटी सूटी का सहारा ले लिया, चोरी ठगी करके हम सेठ साहूकार बनने की चेष्टा कर रहे हैं, वो दूने दुख उठा लेते हैं, पाप इकट्ठे कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान से हमें ये विष दिखाई देगा। परमात्मा कहते हैं जैसा दर्द अपना हो ऐसा दान बराने। पुण्यात्मा हो, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, दयाहीन प्राणी हो गए, उनको दर्द नहीं दिखाई देता कि कहाँ से आया है ये व्यक्ति, भूखा प्यासा है, उनको केवल अपना बकवाद उद्देश्य उनका उल्लू सीधा हो जाता है, तो वो आपका कार्य करेंगे ना तो कति नहीं करें, चौननी चाहिए उन्हें पहले। अब दास जब नौकरी लगा 1977 में, तो उसमें कोई एकाध अधिकारी के ऊपर उंगली टिका करती कि वो भ्रष्ट है, बाकी सब ठीक थे। अब एकाध अधिकारी कर्मचारी रह रहा उस पर उंगली टेके कि यूँ ठीक है बाकी सब एक जैसे हो गए, तो यह क्यों बिजली गिर गई? अज्ञान से, पहले डरते थे भगवान से, भगवान का भय निकल गया और विष खाने लग गए, हाहाकार मच गई। एक शहर में देख लो डॉक्टर है भगवान, दुनिया भर के वैद्य डॉक्टर की दुकान खुल गई, मेडिकल में जाके देख लो किसी में खचाखच भरे पड़े हैं, उधर पाप कट्ठे करें वहाँ भोगे पड़े पड़े। यही परमात्मा कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। हाँ जीवित यहाँ ब्रान माटी होगी, राग यम के दूध घड़ेंगे वो नारी दुख तुम्हारे ऊपर, तो इस विष ने कौन खाओगा जब ज्ञान हो जाएगा। तो ये कारण क्यों हो गया? क्योंकि हम भगवान के विधान से अपरिचित होकर पाप कर रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को दास देखता है बड़ी खुशी होती है, वो कहता जी मैंने ऐसे बेड़ी उठा कर दे दी गलती से, रोता है मेरा नाम खंड हो गया। तो पुण्यात्मा ये समाज तैयार होगा, क्या ये बच्चे बुराई करेंगे आगे चल के? ये ऐसा सोच समाज तैयार हो जाएगा, इनको देख देख और आदमी भी दूसरे भी इनका अनुसरण करेंगे। एक छोटे छोटे बालक ऐसे ऐसे नेक नीति से रह रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा उसको 100 का नोट मिल गया, गली में पड़ा था, आते उसने अपनी माँ को दिया कि वहाँ पड़ा था। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा इसको हम नहीं प्रयोग करेंगे, इसको उठा के यहाँ दान पात्र में डाल दिया। तो और नहीं तो पहले तो जब ज्ञान ना होता माँ सबसे पहले जेब में डाले, पहले तो बच्चा है ना घर लेकर आवा करा पता नहीं कहाँ उड़ा, उसकी टॉफी खावा रोरन खवावे फिर। तो इस प्रकार परमात्मा के इस ज्ञान से ऐसे रंगे जाओगे आप, सपने में भी नहीं गलती कर सकते। और माया की आवश्यकता होगी तो भगवान दूर नहीं, ये सत्कर मान लेना। भगवान को किस लिए खोजते थे? हमें किस चीज़ की डिमांड हो आगे दर देगा ठाक आपका, सत्कर मान लेना। भगवान इसी को कहते हैं, ये कोई बालकों का खेल नहीं है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ध्यानपाल सिंह शाही। ध्यानपाल जी आप कहाँ से हैं? जिला बागेश्वर उत्तराखंड से जी।
ध्यानपाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2017 में ली जी। सर आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की अभी तक? जी पारंपरिक जो हमारे पहाड़ में चलता है वही किया करते थे। मेरे पिताजी देवी की पूजा करते थे, अपने बुढ़ापे के बाद वो ट्रांसफ़र करके मुझे दे दिया, फिर मैं पूजा किया करता था। यानी कि सभी लोग जो पूजते थे तो मैं उनको देवताओं को नहाना धुलाना, देवी के वस्त्र नहाना धुलाना, उन पर आरती करना, ये काम करता किया करता था। उसके साथ ही सभी जो जो त्यौहार तीज होते हैं वो सभी करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप पारंपरिक पूजाएं करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे और देवभूमि उत्तराखंड से हैं आप, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? जी ये तो मैं सब कर रहा था और मैं जब नौकरी से बाहर हो गया था तो मैंने तब भगवान की मुझे बड़ी ज़रूरत पड़ी कि क्लरिकल नौकरी थी हमारी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स ऑफिस में उत्तर प्रदेश के, इसका नैनीताल में कार्यालय था, डिविजनल कार्यालय में थे हम। तो मैं देवी देवताओं और इन साधु संतों के पास गया कि आखिर ये क्या वजह हुई कि मुझे, मैं तो परमात्मा का भगवान की पूजा भी करता हूँ, भक्ति भी करता हूँ, सब पूजाएँ होती हैं, उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा अन्याय कैसे हो गया? ऐसा तो कुछ नहीं था कि हमने कोई ऐसा गलत काम किया हो या हमारी कोई गलत रिपोर्ट हो, तो मुझे कहीं पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मैं लखनऊ में भूतनाथ के बाबा के पास गया, ऐसी चर्चा थी कि भूतनाथ बाबा उधर से कहाँ से सीतापुर से एक मिनट में सीतापुर में दिखते हैं, उसी समय लखनऊ में दिखते हैं, वो बड़े ज्ञाता हैं, बड़े जानकार हैं, वो सब भूत भोज की बताते हैं। तो मैं भी लाइन में लगा, वहाँ 2-3 मर्तबा गया उधर, और वहाँ पर भीड़ भाड़ में जैसे तैसे मैंने बाबा जी के पास तक पहुँच ही गया मैं। वो वहाँ पर गुफा बनाए हुए थे अपने मंदिर के पास में, और एक धुनी जली थी, धुनी के पास बैठे थे, राख ले करके कपाल पर वो दर्शनार्थियों के लगा रहे थे। मैं भी उनके पास पहुंचा, मेरा मकसद यही था कि बाबा जी मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरा तो नौकरी छूट गई है और कैसे इसका मुझे वापसी मिलेगी इसकी। तो बाबा ने मेरे बोलने से पहले ही राख निकाली, मेरे सिर पर लगाई, बोले देवी जी दुष्ट है तेरे से, और फिर आना, अभी जाओ, जब जैसा आदेश होगा वैसा होगा। फिर अब हम फिर गए उनके पास में, तो वो मिले नहीं, उन कहा वो कहीं अपने दूसरी जगह गए हैं। फिर तीसरे अटैम्प्ट गए, फिर नहीं मिले। तो इससे हमने अंदाज़ लगा लिया कि ये सब जो है बेकार की बातें हैं, कुछ है नहीं इसमें ताकत। जो भी देवी देवताओं का पूजा पाठ थी उसमें से हमारी रुचि हट गई, परंतु इतना ज़रूर था कि परमात्मा भगवान तो हैं कहीं न कहीं, क्योंकि ये सृष्टि जो बनी है ये इसको संचालित करने वाला तो है ही है, ये हमें विश्वास ज़रूर था। और इसी वजह से हम टीवी पर ये जो आजकल बहुत वो चल रहे हैं, संत लोगों के प्रवचन चल रहे हैं, कोई कथा कह रहे हैं, कोई कथाकार हैं, तो उनको सुनते थे लेकिन रुचि नहीं बनती थी किसी में। एक दिन रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था, साधारण से आदमी सफ़ेद कुर्ते पजामे में बैठे हुए, पहले दिन तो हमें अजीब सा लगा कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। फिर उसके बाद ज़रा सा इच्छा बनी कि और देख लेना चाहिए, इस समय तो आता है शाम को, तो एक दो दिन और देखा हमने, तो रुचि बन गई हमारी संत रामपाल जी महाराज के वचन को सुनने में, वाणी को सुनने में, बहुत उनसे अपने शास्त्रों से खोल करके दिखा रहे थे जी। इस तरीके से हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, संत रामपाल जी महाराज आपको शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों को खोलकर प्रमाण दिखा रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज आपको ऐसा क्या प्रमाण दिखा रहे थे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा? जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत उत्तम सवाल है।
सर शास्त्रों के बारे में सभी हमारे यहाँ पर जो हमारे पूजा पाठ वगैरह वगैरह करवाते हैं पंडित लोग, तो वो ज़रूर बात करते थे ये शास्त्रों में कहा है, ये गीता में कहा है, ये वेदों में बोला जाता है, परंतु कभी भी उन्होंने इंगित करके नहीं दिखाया कि वेद इस अध्याय में इतने नंबर श्लोक में या मंत्र में ये बात कही है। वो मनमुखी अंदाज से तुक्का लगा करके बोलते थे, और रामपाल जी महाराज उंगली लगा करके और वो चैप्टर को खोल करके, वो अध्याय को खोल करके बता रहे थे कि इस ऋग्वेद में मंडल नंबर इतने में यहाँ पर ये बात कही है। गुरु जी का ज्ञान शास्त्रोक्त है, शास्त्रों से प्रमाणित है, केवल हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों से ही नहीं, वरन सभी दूसरे धर्मावलंबियों के, जैसे मुस्लिम का कुरान शरीफ है और ईसाइयों का बाइबिल है, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब हैं, इन और इन सभी जो शास्त्र हैं, जो सभी ग्रंथ हैं, इनसे प्रमाणित करके भक्ति को बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो ही हमारे दिल में जची और उसी को आधार बना करके हमने गुरुजी बनाए संत रामपाल महाराज को, और उनकी बताई हुई भक्ति पर आरूढ़ हैं। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया, तो गुरु बनाने के बाद जैसे बहुत सारे श्रद्धालुओं को लाभ मिलते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव हुए? जी, मुझे अनमोल शारीरिक लाभ हुए, आध्यात्मिक लाभ हुआ कि हमको सत भक्ति मिली और मोक्ष मार्ग मिल गया। वैसे भी हमारी मौत थी 2018 में, बड़े एक्सीडेंट हुआ था हमारा, एक स्कूटी से साइकिल में हम सवारी कर रहे थे, जा रहे थे कहीं, घर से निकले थे और इसका टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था उस समय कोरोना की वजह से, और वो हमारी मौत पता नहीं, जबकि वही चल ही नहीं रहे थे वाहन, और वो कहाँ से आया और मेरी ही लेन में सीधा आ करके सीधे पूरे फोर्स से टक्कर मार दी उसने, जैसे 2-3 गज की का फासला रहा होगा। तो परमात्मा ने मेरी याददाश्त को लुप्त कर दिया। मैंने आवाज़ ज़रूर सुनी, बड़ी ज़ोर की आवाज़, और मैं जब 5-7 मिनट बाद मुझे होश आया तो मैं देखा कि लोग मेरे चारों तरफ से खड़े हो रहे हैं और उठा चलो ले जाओ ले चलो कह रहे हैं। एक टैक्सी भी आई हुई है, उसमें रख करके मुझे ले गए। मैं कह रहा हूँ मत करो यार, मेरी चोट नहीं लगी है, कुछ नहीं हो रहा है, ज़रा सा खून वून हो रहा था, मुँह से आ रहा था खून, तो लोगों ने समझा कि एक्सीडेंट बड़ा हो गया है, सड़क पर इसका सिर लग गया है और ये जो है सर में फट गया है, मुँह से खून आ रहा है इसको, वहाँ पर तो हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर ने पहले ही कह दिया क्या बात हुई है, उन्होंने कहा ये एक्सीडेंट हो गया था साहब यहाँ पर, उन्होंने कहा इनको रिफ़र कर दिया है, बागेश्वर ले जाओ आगे जिला मुख्यालय ले जाओ, वो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है हमारे पास, एक्सरे तक का इंतजाम नहीं है। तो बागेश्वर गए तो वहाँ पर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, लिखा एक्सरे के लिए और अल्ट्रासाउंड वगैरह वगैरह के लिए कहा, तो सबसे पहले एक्सरे की बात आई तो एक्सरे में कुछ भी नहीं निकला, कहीं कोई चोट पटक कुछ नहीं निकली, सिर में कहीं, गर्दन में कहीं भी। तो और लिख दिया उन्होंने दवाई, इतनी लंबी फहरिस्त लिख दी दवाइयों की, मैंने एक दवाई भी नहीं ली उसमें से। मैंने कहा मुझे छोड़ दीजिए, परमात्मा की दया से मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, और संत रामपाल जी का मैं शिष्य हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक ठाक हूँ। ये दवा लिस्ट दी, उन्होंने कहा ये दवा को तो रखनी खानी है आपको, हमने कहा वहाँ पर तो खा लेंगे जी हम, लेकिन मैंने लिया नहीं, परमात्मा को समर्पण किया, अपना मंत्र जाप किया, बस वो मेरा कष्ट दूर हो गए, कोई भी दवाई नहीं खानी पड़ी मुझे। और इसके अलावा मैं बीमार हो गया था, छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं, मैं कभी दवाई नहीं लेता, परमात्मा की दया से परमात्मा का ही ध्यान करते हैं, बस ये सब दूर हो जाता है। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि दवा तो थोड़ा सा ले लीजिए, ज़रूर आप लाखों रुपए के जो खर्चे हैं उनसे आपका
काम 50-20 रुपए में हो जाएगा, आप लीजिए दवा। तो हमने यहाँ नामदान के प्रभारी जो थे उनसे संपर्क किया, भाई हम भगत जी बीमार हैं, क्या करें, कुछ इस तरीके की तकलीफ है। उन्होंने कहा था दवाई ले लो, गुरुजी कहते हैं दवाई लेने के लिए। तो थोड़ी सी दवाई के लिए हम आए यहाँ बागेश्वर कपकोट गए। कपकोट में उसने देखा, उन्होंने कहा ये तो ज़्यादा गंभीर बीमारी है, यहाँ नहीं होगा ये ठीक। यूरिनरी ब्लैडर में प्रोस्टेट का बीमारी होने का उन्होंने जानकारी दी हमको, और उसका हमारे पास में प्रमाण भी है। या तो ऑपरेशन करें या आजीवन दवा खाइए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा था डॉक्टर साहब ने। तो मैंने वहाँ पर वो तो ले लिया, उन्होंने जो दवाई लिखी वो दवाई भी ले ली, थोड़ी सी 15 दिन की दवाई भी ले ली, और मैं चला गया घर पे। और मैंने उन्होंने कहा था कि हमेशा खानी है, तो हमने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के अरदास लगाई और हमें जवाब मिला कि भक्ति करिए, परमात्मा सब ठीक करेंगे, और दवाई हवाई जो खा लिया है ठीक है, अब बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मालिक की दया से अभी 18 से 23 हो गए हैं और मैं स्वस्थ हूँ, और मुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। यूरिन में जो 5-1 मिनट में मेरे को भागना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था, और थोड़ी सी पेशाब होती थी और दर्द जलन इतनी होती थी कि पांव जमीन में नहीं पड़ते थे। परमात्मा ने दया करी और ये कष्ट से मेरे को उबार दिया। मालिक ऐसी दया करते रहें और तमाम लाभ होते रहते हैं। आर्थिक समस्या ऐसी थी कि मैं नौकरी से तो बेदखल हो ही चुका था, और छोटे छोटे एनजीओ में काम करके अपना परिवार का पालन पोषण करता था, और जब से परमात्मा की शरण में आया मेरा घर बहुत सुंदर ढंग से चल रहा है, घर भी नया बन रहा है, बच्चे अपना वो हो रहे हैं, पत्नी भी मेरी अच्छे सुखी हैं, और उनको भी ऐसा कोई बड़ी बीमारी नहीं है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आर्थिक स्थिति भी अभी ठीक है, बच्चा कमा रहा है। नशा भी करते थे कई वर्षों तक, करीब 30 वर्षों तक नशा किया है, और चेन स्मोकर थे, बीड़ी तो मुंह में रहती थी, दूसरी जल जाती थी, पता भी नहीं चलता था बीड़ी मुंह में है मेरी। और उसके बाद बीड़ी छोड़ी, लोगों ने कहा तो बीड़ी तो बहुत वह हो गया तेरा, खांसी वांसी हो रही है और टीबी हो जाएगी तेरे को। हमने कहा चलो बीड़ी छोड़ देते हैं, तो हमने खैनी शुरू कर दी। तो अब एक छोड़ा दूसरा रोग पकड़ लिया, तो इस तरीके से वह चली रही थी खैनी। परमात्मा की शरण में आए तो सब बंद होगी, कोई किसी किस्म का नशा नहीं, किसी किस्म का कोई मांस मदिरा कोई भी चीज़ का भक्षण नहीं होता है, वरन सहयोग भी नहीं दिया जाता है इस मामले में किसी भी। इस तरीके का परमात्मा की जो मर्यादा है उस पर चल रहे हैं मालिक की दया से। सर जैसा कि आपने बताया कि आपका नशा छूटा, संत रामपाल जी महाराज ने आपको सुख दिए और एक सभ्य इंसान बनाया। सर आप बहुत ज्यादा देवी देवताओं की भक्ति करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? ये इसमें सत्यता का कोई पुट नहीं है। संत रामपाल जी महाराज भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, वरन उनकी वास्तविक मंत्रों से वास्तविक भक्ति करवाते हैं। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का अपने वाणी में अपने प्रवचनों में याद दिलाते हैं, और वो बहुत ही सुंदर ढंग से इन सभी देवताओं की, इनके वास्तविक मंत्रों की पूजा बताते हैं, जिससे जीव को लाभ होता है। सर जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को संदेश तो नहीं दे सकता हूँ और इस तरीके का कोई अपील भी नहीं कर सकता हूँ, परंतु ये तो सब संत रामपाल जी महाराज स्वयं दे ही रहे हैं। इनसे इतना ही विनती कर सकता हूँ दोनों हाथ जोड़ के कि आप एक बार अवश्य सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज के किताब, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ें। ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, इनको पढ़ें। अगर इनको नहीं पढ़ सकते हैं तो टीवी पर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की सत्संग चलते हैं, उन सत्संग को देखें और
ज्ञान ग्रहण करें, ज्ञान ग्रहण करने के बाद गुरु जी से नाम दीक्षा लें संत रामपाल जी महाराज से, और अपना कल्याण कराएं। क्योंकि इस समय विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जिन पर परमात्मा की कृपा है और जिनकी वाणी में ताकत है, परमात्मा के बराबर शक्ति है। आप सब अपना नाम लेकर के कल्याण कराएं। ध्यानपाल जी, अपना अनुभव हमारे चैनल पर बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। गरीब धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस के अवसर पर दिनांक 6-7-8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम निवासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।